हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं टेक मिनट्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के M51 मोबाइल के बारे में। दोस्तों, ये जो फोन है मेरे पास पिछले 4 दिन पहले मेरे पास आ गया था। मैं 4 दिन से ऐसे अच्छे से यूज कर रहा हूँ और इसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने देख लिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के M51 के बारे में, जिसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर की तरह 7000 mAh है। दोस्तों, फटाफट चलते हैं हमारी वीडियो पे और मैं दिखाता हूँ आपको इस फोन के बारे में। और सैमसंग से जुड़ा हुआ एक अच्छा सरप्राइज मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाने वाला हूं। और इसी के अलावा मैं एक साइड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि पोको M2 Pro के बारे में जो मैंने गिव अवे की जो बात की थी, उसके बारे में बात करने के लिए आज शाम को 4 बजे ऑनलाइन आने वाला हूं। लाइव मैं आपको आके बताऊंगा कि इसके जो रिव्यूज हैं और इसके अलावा जो इसकी परफॉर्मेंस है और इसके नेक्स्ट ओनर जो गिव अवे में होने वाले हैं उनके बारे में और सारे के सारे डिटेल में आपसे इस बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज शाम को मैं 4 बजे आपसे मिलने वाला हूं। और इसी के अलावा हम बात करते हैं डिटेल में M51 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से, जिसमें हमें सबसे पीछे बैक पैनल पे सैमसंग लिखा हुआ देखने को मिलता है। और ये दोस्तों मेरे पास है ब्लैक कलर में, ये मेरे पास वेरिएंट है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अभी तक इसकी चमक एक नंबर की है, जिसमें हमें पीछे प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मटेरियल की बात करूँ तो हमें यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट हमें यहाँ पर मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लास्टिक मटेरियल है जो हमारे फोन को देता है एकदम स्मूथ फिनिशिंग। बात करता हूँ इसके मेन कैमरा की, जहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 64 मेगापिक्सल का हमें प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और यहीं पर मैं सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर ये 32 मेगापिक्सल का हमें सिंगल कैमरा हमें आगे की तरफ देखने को मिलता है। और दोस्तों, यहीं पर मैं इसके कैमरे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इस बार इसका जो कैमरा है जो कंपनी की साइड से हमें पता चला है कि बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड हमें यहाँ पर कैमरा देखने को मिला है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सबसे अच्छे फीचर की, जो कि इसमें हमें देखने को मिलती है 7000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए टिकने वाली है। तो दोस्तों, ये सैमसंग का M51 वेरियंट मेरे पास है 6 GB वेरियंट में 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसमें चिपसेट डाला हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 जो कि 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 UI पर। यहीं पर हमें सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 6.7 इंच की हमें यहाँ पर बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ। बिना टेस्ट के तो हमें भी शांति नहीं मिलती है, कर लिया जाए इस फोन के कैमरे का टेस्ट और देखते हैं कि इसके जो कैमरे की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फटाफट हम इस फोन के कैमरे की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं कैमरे को ओपन, और ये मेरे पास एक टॉय है, तो इस टॉय की मैं यहाँ पर एक वीडियो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ। तो इसमें जो हमारा जूम है वो हमें यहाँ पर 10x तक चला जाता है, 10x तक हम यहाँ पर इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं। इसमें फोटो क्लिक करते हैं 10x में, तो जैसे कि आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स देख पा रहे होंगे, तो इसकी डिटेल्स मुझे बहुत ही ज्यादा फाइन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के अंदर एक यहाँ पर सुपर स्टीडी नाम का एक यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जहाँ पर हमें इसमें बात करें इसमें सुपर स्टीडी मोड में तो हमें यहाँ पर हमारा जो फोकस जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होता है, बिल्कुल फोकस को यहाँ पर बना के रखता है। कहाँ गया? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, तो इसका जो फोकस है जो बिल्कुल भी नहीं यहाँ से हिल रहा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इसका फोकस मुझे सैमसंग की तरफ से देखने को मिलता है। पर मैं आपके लिए वीडियो एक शूट करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी इसके अंदर हमें यहाँ पर जर्क नहीं देखने को मिलता है, वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टेबल वीडियो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका सुपर स्टेडी जो मोड है ये मुझे बहुत ही ज्यादा इसके अंदर अच्छा लगा। और दोस्तों, इसके यहाँ पर सुपर स्लोमो जो इसका मोड है इसके अंदर कितना फाइन तरीके से सैमसंग ने यहाँ पर काम करके दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। इसी के अलावा यहाँ पर इसके और मोड्स की मैं यहाँ पर बात कर लूँ, और यहाँ पर मैं इसके नॉर्मल वीडियो में इसका फोकस को एकदम एडजस्ट करके देखता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर स्टेबल कर पाता है कि नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो मेरा जो फोकस है वो बिल्कुल एक जगह पर फोकस था, जिस वजह से ब्लर आ रहा है। तो फोकस तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो रहा है। आउटसाइड की मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना के दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल जेन्युइन कलर्स मुझे यहाँ पर वीडियो के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं बहुत ही ब्राइट कलर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि जो वीडियो स्टेबिलिटी इसकी कितनी अच्छी इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेके, क्वालिटी को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके हमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरे ओपिनियन से ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सैमसंग M51 की, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना इस फोन से रिलेटेड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अनबॉक्सिंग के साथ।